ये दरख्त को रास्ता बन जाएगा। अच्छा अंकल 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 ये रास्ता बना रहे हैं, हम अंकल की मदद करते हैं कि रास्ता कैसे बनता है। अंकल अपने तरीके से अंकल का रास्ता बनाना, आप समझ रहे हैं कि अंकल रास्ता कैसे बना रहे हैं। नौमी उठाने होता है, उठा गाड़ी ठोक दी है जी नौमी साहब ने। नौमी कैसे ठुकी है गाड़ी? नौमी ने गाड़ी ठोक दिया जी, हमेशा लोग पीछे से ही मार के जाते हैं। गाड़ी का काम करा रहे हैं हम गाड़ी से, उस्ताद गरी ये कर रहे हैं जी। उस्ताद जी ज्यादा नुकसान तो नहीं होया? नहीं जी, पक्की गल है, बचा थी। अच्छा उस्ताद जी पेंट का क्या कर सी? पेंट का तो फिर पेंट ही कर सी, तुसी नहीं कर सकते हो? हां जी अपना काम सर रिपेयरिंग। अच्छा जी कम कम करा रहे हैं जी, हूँ असी गड्डी का फिर उससे निकल सी, बड़े थक गए आज, कम बड़ा ख़राब हो गया। नौमी गड्डी ठोक दी थी, नौमी जी तक खा जी पैसे। F10 में एक बाबा जी बैठे होते हैं जी, उन्होंने जहाँ मशीरी अफजा का कोई शरबत लगाया होता है, हमने सोचा कि एक नेक काम कर दें। कल भी हमने उनकी एक हेल्प की थी लेकिन हमने इस व्लॉग में उसे ऐड नहीं किया। अभी हम आए जी, जहाँ मशीरी वगैरह लिए, चीनी लिए, ये हमने लिए, ये क्या लिए है जी? मैगी। अच्छा तो अभी हम अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और क्या हाल चाल है आप सबके जी, और वेलकम करते हैं हम आपको अपने नए व्लॉग में। बारिश का मौसम है जी इस्लामाबाद में, बड़ा हसीन मौसम है। मैं जा रहा हूँ जी खुरम भाई के साथ और नौमी के साथ सेंटोरस में, हमने लेने हैं जी मूवी के टिकट, कोई मूवी आई है जी पंजाबी, और अभी हम देखे निकल रहे हैं जी। क्या हाल है जी आप सबके? मजे में है? मूवी शूवी की तैयारी है? फिर वेदर चेक करें जी इस्लामाबाद का, तो मैं शीशा ला के तक आना, चेक करें जी इस्लामाबाद, फिर है ना मजा। बड़े लोग इस्लामाबाद बड़ा बोर है लेकिन क्या पता है बड़ा है, ये चेक करें। हमें नरान का गान जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा यकीन करें नरान का गान इधर ही बना होता, पहले टिकट ले लेते हैं यार, इतवार ख़त्म हो जाए। अभी हम जा रहे हैं टिकट शिकट लेने, तो फिर हम आपको बताते हैं कि टीम शीम क्या है, और चलान ही ना हो जाए साडा। मम्मे भी खलते हैं, पूरा फोकस होता है इन्हों साढ़े वाल के सीट बेल्ट लावन के असी फोकी टाइट करके। ये देखें जी स्लाब भी आया हुआ थोड़ा सा, और बारिश बड़ी तेज हुई है इधर, हम थोड़े लेट हो गए हैं। ये देखें जी यूफोन टावर का मंजर, और अभी हम जा रहे हैं जी माल माल में जा के आपसे करते हैं। टिकट शिकट ले लिए जी हमने, और दिखाएं भाईजान कौन सी मूवी देखने लगे हैं हम। ये है जी गिप्पी साहब की नई मूवी है, ये रेडी हो जी। नौमी साहब आप पिस्तौल ना गाड़ लेना भाईजान, टच नाड़ा देना खोलना, और अभी हम जाते हैं जी कुछ खाना शाना खाते हैं फिर आपसे करते हैं मुलाकात। ये संभाल के रखो भाई। अभी हम आए जी खाना शाना खाने, टिकट हमने ले लिए, हम आए जी संभाज में। हमारी ईद में हमने बड़ी डाइट साफ की है जिसमें हमने बीफ चीफ चिकन चिकन सब दबले खाए हैं, जिम से छुट्टियाँ की हैं, मसल शसल सारा बैठ गया, और अभी दोबारा हम अपनी रूटीन पर वापस आ गए हैं। हमने शुरू किया है जी दोबारा हलीम चावल, जो हमारा बहुत ही फेवरेट है, मंगा दें जी गर्मी है। और ये हमने खाना ऑर्डर किया, हम दोबारा अपनी डाइट पर आ गए हैं। और क्यों जी भाईजान तुसी के कहंदे हो? ये बिल्कुल डाउन हुआ है क्योंकि इसने रात को पी ली थी रबड़ी दूध, और अच्छी चीज पी ले उसके बाद दो दिन होश ही नहीं रहता। क्यों जी भाईजान क्या कह सकते हैं, अभी इसकी आवाज ही निकल रही, इसकी आवाज आके अरमान को निकालेगा। अभी हम इधर से गुजर रहे थे जी, हमें गुजरते हुए नजर आया जी इस्लामाबाद में एक दरख्त गिरा हुआ है,
और भाई जान इससे लकड़ियां तोड़ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं क्या चक्कर है। सीडीए वाले तो अभी तक नहीं आए और हम देखते हैं कि क्या सीन है, कोशिश करते हैं हम इसको उठाने की। अंकल जी कैसे हैं? ठीक है, कैसे गिरा ये? अच्छा, तो आपको कैसे पता चला है गिरा ये? अच्छा अच्छा, तो आपने जमा कर लिया दरख्त को? अच्छा, अंकल 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 जी रास्ता बना रहे हैं, हम अंकल की मदद करते हैं कि रास्ता कैसे बनता है। अंकल अपने तरीके से अंकल का रास्ता बनाना, आप समझ रहे हैं कि अंकल रास्ता कैसे बना रहे हैं। नौमी उठाने होता है, उठा। फाइनली आ गए हैं जी हम सेंटोरस मॉल में पहुंच गए हैं। हमारी टीम में नया एडिशन हुआ है जी अरमान, बड़े दिनों बाद। क्या हाल है जी आपके, कैसे हैं? ये जी एक पर्चे में जेल चला गया था, इसने एक मुर्गी चोरी करके हमें ही खिला दी थी, लेकिन हमने उस मुर्गी के पैसे तो इसको दे दिए थे, लेकिन ये भी इसके साथ था। मुर्गी को फांसी लगाने वाला बंदा ये था, इसने खैर ये भाई बड़े गौर से देख रहे हैं जी। और ये तो सारा मजाक था जी, अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने, देखते हैं कि हम क्या सीन है, कैसी मूवी है, अल्लाह करे अच्छी हो, हमारा टाइम और हमारे पैसे ज़ाया ना हो। अभी हम आपको जा के अंदर बताते हैं। हम आ चुके हैं जी अंदर के, और ये देखो जी 5, 6, 7 टिकट गिन रहे हैं, किसे यकीन है ये सी अच्छी जगह आ गए। ये जी इधर जो हमने मूवी देखनी है वो इधर नहीं लगी हुई, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। वो मूवी हमें दिखा रहे हैं जिसकी ज़्यादा प्रमोशन नहीं है, क्योंकि वो इंडियन मूवी है। और जी भाई जान बैग डाल के, अच्छा ये मूवी है जी इंडियन, इसकी इतनी इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। और इसमें कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं है, गिट्टी ग्रेवाल की मूवी है और इसलिए आर्टिस्ट साढ़े कोल हैं जी। रत्ती शर्ट और अभी हम जाते हैं जी कोई लेने लेते हैं खाने पीने के लिए। अभी मैं इनसे पैसे शैसे पूछता हूँ कि जे मूवी कितने हैं, फिर अगली बार मैं आपको बताता हूँ। हमने उस हिसाब से देखना है कि हम क्या खाते हैं, और फिर आपसे होती है मुलाकात चीज़ें लेने के बाद। ये ले लिए जी हमने, हमारे आगे ये दो लेज हैं, एक है ऐसा खुले ले लेते, दो ड्रिंक, और मान कुछ नहीं ले रहा सर, नाल ही सारे के सामने पैसे ही मांग रहे हो। हेलो जी भाई जान, वो सिस्टम नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है? क्यों नहीं है जी, इन्हों की दुकान तो होंगे, आपको बता दें कि मूवी कैसी है। अभी हमें आइडिया नहीं है कि मूवी का शॉर्ट लेने से हमारा कॉपीराइट इशू आता है। मूवी होगी है जी कंप्लीट, बहुत अच्छी मूवी बनाई थी, एक बाप और बेटे की स्टोरी पे, उनके प्यार पे और उनकी मार डांट पे ये स्टोरी थी। बाकी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, हर किसी का अपना अपना माइंड है। शुरू में कॉमेडी थी, एंड पे थोड़ी इमोशनल थी। नौमी तो रोन लग गया सी, नौमी कहता आज मैं जाके अपने पापा हूँ, आई लव यू कैसा। और कैसी लगी है जी आपको स्टोरी? नहीं, आपकी आंखें क्यों लाल रही है? अपने अब्बू को याद करके बड़ा रोया। अगर इसके अब्बू ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये उन तक मैसेज है कि अरमान तो कह रहा है मैं कल अपने अब्बू के साथ काम पे जाऊंगा। क्या कहते हो आप इस बारे में? केड़ी जगह पे भाई? और इसके बहुत मज़ा आया जी, हमने अभी कुछ खाना पीना है, इधर तो फूड कोर्ट सारा बंद हो चुका है, यानी कुछ भी खाने को यहाँ से भी नहीं मिलेगा। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, निकल के जाके देखते हैं कि हम क्या खाते हैं। लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया, हमारे पैसे और टाइम ज़ाया नहीं हुआ। एक बंद वो कुछ सुराकी लड़के थे, क्या कह रहे थे वो निकल के सनी आया ना बीच 15 मिनट का टाइम, उन्होंने हाफ टाइम इंटरवल आया तो लड़कों ने समझा कि मूवी इतनी है और वहाँ से निकल गए। ये है जी हमारा फेवरेट ब्रांड आउटफिटर्स, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं जाके आपको हम बताते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें भूख लगी है और आज खाना शाना खाते हैं अभी यहाँ से निकल के। ओके जी, फिर मुलाकात होती है।
फाइनली हम आ चुके हैं जी F10 में। आपको जैसे कि पता है हमारी फेवरेट तरीन चीज़ जो है वो हम वही खाते हैं, KFC वगैरह सारा कुछ बंद था। F10 में F10 में भी है जी, F11 में भी है, F8 में भी है, I8 में भी है, PWD में भी है, G10 में भी है, शाह जी हर जगह पे है। और हम आजकल यही खा रहे हैं। और दूसरा सीन ये है कि हमारे साथ है हमारी पूरी टीम और ये हमने ऑर्डर किया हुआ है। और ज़्यादातर हम रायता ले आते हैं या फिर हम खाते हैं घर की खुराक, मतलब उबले चावल और ये चिकन कीमा वगैरह। क्यों जी शाह जी, ये जी रात को 11 बजे के बाद फीस बिल्ला शुरू कर देते हैं और दो बंदों के साथ एक बंदा फ्री हो जाता है, इसलिए इसको हम ले आए हैं। जिशान और मुनीब को हम जो दावत देते हैं ना वो इसी चक्कर में देते हैं कि हम चार बंदों के साथ वो दो फ्री होते हैं। तो आज वो नहीं आ सके कि जिशान भाई के बाइक में पेट्रोल नहीं था, इस वजह से हम अकेले यशी मारे हैं। हम लोगों ने पेंडिंग भी ढक दी उनका खाना। अच्छा, अरमान ने कहा जी मैं आपको दूंगा दावत और अभी हम खाना शाना खाते हैं फिर आपसे होती है मुलाकात। कल रात को आ गए थे जी हम घर, हमारा सीन शीन ख़त्म हो गया था और आज सुबह हुई है, सारे लोग फिर आ गए। अभी हमारे फैसल भाई के पास कुछ घर की चीज़ें थी वो सेट करवाने, अपनी बालियां एक सेट था और फैसल भाई को ही भी मिलने आए हैं। अभी इन्होंने हमारे लिए खाना मंगा लिया है, बड़ी परेशानी की बात है। खाना खाओगे यार? क्या हाल है जी फैसल भाई, कैसे हैं? मजाक कर रहे हैं जी आपसे, कैसे हैं? ठीक है। ये बालियां हैं जी, एक ये चेन है ये सेट करानी थी और ये सेट सेट कर, चेन टूट गई है जी। उस दिन वेडिंग के साथ बड़ा मसला हो गया, थपाई हो गई है और अभी हम ये काम शाम करा रहे हैं। फैसल भाई की दुकान है जी गौरी टाउन में, मदीना कैश एंड कैरी के सामने, और ये इधर अकेले होते हैं। अगली बात आप सोचते हैं गार्ड शॉट होते हैं, गार्ड शॉट होते हैं जी। ये दो गार्ड भी इन्हें दे दिए हमने नए। कितनी सैलरी लोगे नोमी? हाँ जी, तो फिर असि इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करने हैं। हम आए हैं जी दोबारा से वो शरबत पीने इमली आलू बुखारे का, जो G7 मरकज़ में नोमी अंदर एक गली में अंकल ने अपने घर में तैयार करके लगाया होता है। पांच नहीं है, चार। और अभी हम वो पी के जाएंगे टेलर के पास, उसको हमने कपड़े देने हैं। मुजाहिद साहब को नए कपड़े शपड़े लिए हैं जी मुहर्रम के लिए। और ये देखें जी नोमी साहब ने, ये नोमी की इधर कमीशन है, मतलब अगर 70 रुपए का ग्लास देने दे 20 रुपए पाई हो रहे होंगे क्योंकि इन्हों का मंगा रहे तो असि बाहर का व्यू भी थोड़ा करा देने। ये चेक करें जी, माशाल्लाह रश बड़ी लगी होती है इनके पास, मैं आपको दिखाता हूँ। शरबत आ गया जी साडा, मज़े का भाई जान। कितने का ग्लास है? 70। और क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बहुत अच्छा है सेहत के लिए, गर्मी दूर करता है, कीड़ा नहीं दूर करता। नहीं। मुजाहिद साहब के पास आए हैं जी आज हम, फिर कैसे हैं जी जनाब आप? ठीक हैं? इन्होंने सलवार मेरी छोटी सिलाई की है जो ईद पे आप कह रहे थे कोई। अच्छा, जवाब दियो पहले। क्यों की थी जी? ये मेरा है जी, सही नहीं है? उधर का कोना, उधर का एक गिफ्ट मिला है जी सालगिरह पे। नोमी कह रहा, ये कह रहा मुझे दे दे। क्या देंगे? सिलाई फ्री? पक्की बात है? अभी खाना हम खाने आ गए जी, आप लोग समझ रहे होंगे कि फुल पेड प्रमोशन है शाह जी की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर 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 खाना हमने आपको यही दिखाया है और यही देखें क्योंकि हम खाते ही हैं। और दूसरा सीन है, क्यों जी जिशान के बारे में क्या कहते हो आप? इधर हम लोग कलीम चावल खा रहे हैं, निशान ने ढेला जेल बैठ के बटे वाली दाल खाना भी आती है वे कच्चिया रोटियां। देख लो निशान बैठ से मुखालफ हो गए सारे, हम लोग तब जा रहे हैं प्लान कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के पास मामला ही नहीं हो रहे।
कौन से लोगों में बस मुनीम भाई यहाँ काट दो भाई तू मुनीम भाई चलो कर दें बहुत अच्छा आ गया ना निशान इस टाइम का गाल निशान के ना मैंने क्या बेच है सारा कुछ गाड़ी ठोक दी है जी नोमी साहब ने नोमी कैसे ठुकी है गाड़ी यार एक बंदा पीछे से मार गया नोमी ने गाड़ी ठोक दी है जी हमेशा लोग पीछे से ही मार के जाते हैं गाड़ी का काम करा रहे हैं हम गाड़ी से उस्ताद हरी ये कर रहे हैं जी उस्ताद जी ज्यादा नुकसान तो नहीं होया नहीं जी पक्की गल है बचाती है अच्छा उस्ताद जी पेंट का क्या करसी है पेंट का तो फिर पेंटर ही करसे ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਅੱਜ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿਤਨਾ 1500 ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਕਟਿਆਂ ਦਾ F10 में एक बाबा जी बैठे होते हैं जी उन्होंने जहाँ मशीरी अफजा का कोई शरबत लगाया होता है हमने सोचा कि एक नेक काम कर दें कल भी हमने उनकी एक हेल्प की थी लेकिन हमने इस व्लॉग में उसे ऐड नहीं किया अभी हम आए कि जो मशीरी वगैरह लिए चीनी लिए ये हमने लिए ये क्या लिए भाई ये मैगी अच्छा तो अभी हम ये जाके उनको देखते हैं और फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा पूरे व्लॉग में इसमें भी हम क्लिप ऐड करेंगे इंशाल्लाह अंकल के पास आए हैं जी अंकल को हमने सामान वगैरह दिया है क्या हाल है अंकल जी आप कैसे हैं ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर जी अंकल जी F10 में कोई भी गुजरे जी ये पार्क के पास बैठे होते हैं इन्होंने अपना छोटा सा सेटअप लगाया होता है अभी हमने इन्हें सामान दिया है पैसे भी दिए हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं कोई भी यहाँ से गुजरे F10 में बैठे होते हैं पीछे बैक साइड पे ग्राउंड के पास तो इनकी मदद करिएगा अंकल जी अल्लाह आपको बरकत दे अल्लाह आमीन आमीन आमीन